नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के नाशिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक, सप्लाई रुकने और दम घुटने से 22 मरीजों की मौत, 30 से अधिक की हालत नाजुक। नासिक में अस्पताल में ऑक्सीजन लीक के मामले की उद्धव सरकार ने जांच के दिए आदेश, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान, भाजपा ने सरकार को घेरा। दिल्ली में एक दिन में 28,000 से ज्यादा केस आने के बाद हेल्थ सिस्टम ने तोड़ा दम, कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। दिल्ली में ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई से यूपी में गहरा सकता है ऑक्सीजन संकट, यूपी के INX प्लांट से लगातार दिल्ली भेजी जा रही ऑक्सीजन। कोरोना की दूसरी लहर से ध्वस्त हुए हेल्थ सिस्टम के बीच स्वास्थ्य विभाग का दावा, सरकार की है पूरी तैयारी, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर। सीरम इंस्टीट्यूट ने तय की कोविशील्ड की नई कीमत, राज्य सरकार को 400 रुपए और निजी अस्पताल को 600 रुपए में देगी वैक्सीन, अभी प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में लग रही है वैक्सीन। स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर ICMR का दावा, डबल म्यूटेंट वेरिएंट वाले कोरोना वायरस पर असरकारक है कोवैक्सीन, देश के कई राज्यों में डबल म्यूटेंट वाला वायरस मचा रहा है कहर। महाराष्ट्र में नहीं लगेगा टोटल लॉकडाउन, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बढ़ाई जाएगी सख्ती, 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस। देश में 24 घंटे में 3 लाख के करीब नए कोरोना संक्रमित केस आए सामने, एक दिन में कोरोना के 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 2.25 लाख के करीब लोग हुए ठीक। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,000 से अधिक नए केस आए सामने, पॉजिटिविटी रेट भी 25% के पार, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शुरू हुई सख्ती। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर वाले उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से जूझते मध्य प्रदेश को राहत वाली खबर, बिना रिफाइनरी से मिलेगी ऑक्सीजन, राज्य के 4 जिलों में भी शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट, दमोह में लोगों ने लूटे ऑक्सीजन सिलेंडर। भोपाल में बाल संप्रेषण गृह से 11 बच्चे कोरोना संक्रमित, अधीक्षक की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जताया दुख। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार, कहां वैक्सीनेशन की रणनीति नोटबंदी जैसी, पार्टी ने वैक्सीनेशन की गति को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना के हल्के लक्षणों पर घर में रहे आइसोलेट, डॉक्टर की सलाह पर ले दवाइयां, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन नरेश त्रेहान की लोगों को सलाह। लॉकडाउन के आहट से फिर शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन, पलायन रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा, बोले MP के CM शिवराज, 3 महीने का मुफ्त देंगे राशन। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का सिलसिला, सेंसेक्स में 243 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 63 अंक लुढ़का। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को होगी रिलीज, सिनेमाघरों के साथ साथ इसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा जा सकेगा। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रामनवमी की दी शुभकामनाएं, लता ने लिखा, प्रभु राम सारे विश्व को इस महामारी रूपी रावण से मुक्ति दिलाए। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।